सलमान खान ने किया कंफर्म कि 20 साल बाद वो और संजय लीला भंसाली करेंगे एसोसिएट और इस फिल्म में शाहरुख खान का तो पता नहीं बट आलिया भट्ट जरूर आएंगी नजर। सलमान खान के एक ट्वीट ने लगा दिया कुछ समय से चलते आ रहे स्पेकुलेशंस पर फुल स्टॉप। ये तो अब सभी जानते हैं कि सलमान संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसका पार्ट शाहरुख खान भी रिपोर्टेडली होने वाले हैं। लेकिन इस फिल्म की लीडिंग लेडी को लेकर अब तक आलिया भट्ट का नाम सामने आता रहा था, डिवॉइड ऑफ एनी कॉन्फर्मेशन बाय ईदर पार्टी। लेकिन सलमान ने ऑफिशियली इस ट्वीट के साथ अब कंफर्म कर दिया है दैट इस फिल्म में वो आलिया के अलोंगसाइड ही नजर आने वाले हैं। तो जितने भी रूमर्स चल रहे थे कि क्या सलमान खान और संजय लीला भंसाली एक्चुअली में एक दूसरे के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, एक रूमर ये भी आया था कि भाई सलमान शाहरुख और संजय लीला भंसाली एक साथ काम करेंगे, किसी ने कहा उसमें आलिया भी नजर आ सकती हैं। अब इन सारे रूमर्स को सलमान खान ने अपने एक ट्वीट के जरिए क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा दैट 20 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली वो और संजय लीला भंसाली एक साथ काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम है इंशाल्लाह और उसमें आलिया भट्ट हैं। And that is the beauty of being in the social media age these days, कि आप एक ट्वीट के जरिए पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हो कि क्या है और क्या सच है क्या नहीं है। Over here, I'm very excited to see because सलमान खान and आलिया भट्ट is a very unusual जोड़ी. So I'm very excited to know कि कौन क्या किरदार निभा रहा है और किस तरीके से ये इंशाल्लाह फिल्म लिखी जाएगी, क्या होगा कॉन्टेंट, बिकॉज अभी फिलहाल वी जस्ट नो दैट द एक्टर्स आर बीइंग कास्ट। नॉर्मली बायोपिक में पता चलता है कि एक आइडिया लग जाता है ओ इन पर बायोपिक चल रही है तो अच्छा ठीक है ये स्टोरी लाइन हो सकती है, बट फिलहाल we don't know anything about the storyline. It is Sanjay Leela Bhansali and Salman Khan coming back together and hum dil de chuke sanam dekhi thi 20 saal pehle, abhi bhi main kabhi kabhi I just go and watch the film because I love it so much. So definitely there's going to be magic being created on silver screen. I completely agree with you Saga. I mean you know Salman Khan and Sanjay Leela Bhansali together and Sanjay Leela Bhansali film, it has to be something like outstanding because Sanjay Leela Bhansali has a history of producing outstanding films. Aap unka track record dekh lo. But the best part is like you've said, you know, Alia Bhatt, she is the most desirable actress right now. Every big production house, every big producer, director wants her in their movie, in their project. And now it's Salman Khan and Alia Bhatt together. And I'm just, you know, थिंकिंग क्या होगा, बिकॉज आलिया भट्ट ने पहले शाहरुख खान के साथ एक मूवी में काम किया है डियर जिंदगी में, बहुत अच्छा किरदार था। इसमें क्या होगा, क्या सलमान खान के साथ, बिकॉज यूजुअली जो हमें देखने को मिलता है ना सलमान खान की मूवीज में यूजुअली फीमेल एक्ट्रेसेस को उतना ज्यादा पार्ट नहीं मिल पाता है, बट यहाँ पे संजय लीला भंसाली की फिल्म है एंड उनकी फिल्म में हमने हमेशा देखा है जो फीमेल एक्ट्रेस भी होती है उनको बराबर पूरी तरह से यूज किया जाता है, उनके टैलेंट को पूरी तरह से दिखाया जाता है। बट यू नो व्हाट, इस ट्वीट में शाहरुख खान वाज मिसिंग बिकॉज इतने सारे रूमर्स आ रहे थे दैट सलमान एंड शाहरुख कैन कम टुगेदर इन अ संजय लीला भंसाली फिल्म, और ये भी सुनने में आया था कि संजय लीला भंसाली ने 3 नाम एक्चुअली रजिस्टर कराए हैं, बैजू बैजनाथ एंड बैजू तानसेन। सो देयर वाज स्पेकुलेशंस दैट शाहरुख एंड सलमान आर गोइंग टू कम टुगेदर, बट यहां पे क्लियरली इन हिज ट्वीट सलमान हैज नॉट टैग्ड शाहरुख खान, यानी कि फिलहाल ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म। बट व्हाट वी आर हैप्पी अबाउट इज वी आर गोइंग टू सी एन अनयूजुअल जोड़ी ऑन स्क्रीन वेयर द करंट सेंसेशन ऑफ बॉलीवुड व्हिच इज आलिया भट्ट and the mega star of Bollywood Salman Khan, they're going to come together on screen aur kya kamal machayenge ye teenon bade naam, that is for us to wait and watch।